अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन बनाने के लिए रेड मिर्च 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर 1-1 टीस्पून, इन सबको हमने एक बाउल में डाल लिया। 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे, 2 लीमू निचोड़ेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे चिकन पर अच्छे से हमने मल लेना है ताकि ये हर तरफ लग जाए। चिकन 1 किलो है और ये इसके ड्रम स्टिक्स हैं। 2-3 घंटे का रेस्ट दे दें इसे तो अच्छा बनेगा, लेकिन अगर ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत ही अच्छा बनेगा। एक पैन में हम तेल डाल लेंगे और उसमें ये तमाम पीस लगाएंगे, जितने भी इसमें आ जाएं और अच्छे से टर्न हो जाएं। ये लगा के तो हमने इसे हल्की आँच पे फ्राई करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसलिए फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक गल जाए। फिर हम इनकी साइडें तब्दील करेंगे और इन्हें अच्छा सा कलर दे देंगे चारों तरफ से। इसे अच्छा सा कलर देकर तो हम बाकी के पीस भी जो है फ्राई कर लेंगे इसी तरह ही। इसे आपने अच्छे से गला लेना है और उसके बाद जब हम दूसरे भी पीस फ्राई कर लेंगे तो इसकी एक अच्छी सी कोटिंग तैयार करेंगे, जो कि ग्रीन मसाला होगा सारा, लेकिन उसे मैंने सालसा का नाम दे दिया है। देखें अच्छे से इनके ऊपर कलर आ गया, ये आना ज़रूरी है। बाकी के पीस भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे और गला कर निकाल लेंगे। अब एक हम इनके लिए कोटिंग तैयार करेंगे, इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें ये डालकर हमने चॉप कर लिया और उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाल के तो इसे हम फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है इसे। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे, चिली सॉस 2 टेबल स्पून डालेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें तमाम पीस डाल देंगे चिकन के। इसमें पूरा नहीं आया, ये बर्तन थोड़ा छोटा है तो हम इसे कढ़ाई में मुंतकिल कर लेंगे। अच्छे से कोटिंग हो जाएगी तो इसे निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।